भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और सीखने के बाद कुछ आप लोगों से आग्रह करने का भी मुझे मन हो रहा है। आप लोगों की एनर्जी, आपका पैशन, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिवोशन, आपकी डिसिप्लिन, आपकी डेडलाइन, आपका 5D देख के मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। सामान्यतया जब कोई वक्ता आता है और उसको अपने मन की बात कुछ कहनी होती है तो परिवार के मुखिया से पहले वो चर्चा करके अप्रूव करा लेता है, अपनी बात सर्टिफाई करा लेता है, तब कहता है। लेकिन मैंने परिवार के मुखिया श्याम जी से अभी अपने मन की बात बताई नहीं, अब मैं सीधे मंच पे बताने जा रहा हूं। अनुमति है। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब यूज करते हैं। मेरा एक आग्रह है एकल परिवार से, आप लोग फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए। 5000 की क्षमता होती है, कोई भी 5000 बना सकता है, नहीं 5000 तो कम से कम 4000 जरूर बनाइए। क्योंकि जितना काम एकल कर रहा है ना, ये ऐसा काम है कि बहुत कम संस्थाएं करती हैं, बहुत कम संगठन करते हैं। तो जो आपका काम है ये घर घर पहुंचे, और भारत में क्यों, आपका काम नेपाल तक पहुंचे, लोग जाने आप क्या क्या काम कर रहे हैं। मैंने फेसबुक की बात इसलिए किया क्योंकि ट्विटर पे भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं, जबकि भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। तो ट्विटर के 10 गुना ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं। दूसरा, ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे आप कितने फ्रेंड बना सकते हैं ये आपके हाथ में है। तो 10-10, 20-20 लोगों को बनाते जाइए, 50 लोगों को बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, और ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट पर डे केवल और केवल राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए, एकल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए फेसबुक का उपयोग करिए। अपने पर्सनल काम के लिए भी करिए, बर्थडे की फोटो भी शेयर करिए, अपना सेल्फी वगैरह भी डालिए, सब कुछ करिए, लेकिन आधे घंटे। और भगवान की दया से डाटा भी फ्री है, ऐसा भी नहीं है कि 300 रुपए के 1 GB डेटा खरीदना है, तो डेटा भी फ्री है, उसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं। एक और मन में आई मेरे बात बाबूजी, जो मैं सोच रहा था आज आपसे आग्रह करूं। एकल वहां है जहां कोई नहीं है। जान पहुंचे सरकार वहां पहुंचे एकल। क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि, और ये विचार जब आपने वो बोला मेरा हनुमान परिवार की जब आप वो बोल रहे थे, वहां से मुझे ध्यान आया। फिर मुझे बहन जी अपना रामरथ दिखाने ले गई, तो मैंने दोनों चीजों को कनेक्शन कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा ना, वकील के पहले मैं इंजीनियर था, तो आदत तो गई नहीं है। जहां रामरथ जाता है, बहुत इंटीरियर एरिया में जाता है, स्वाभाविक सी बात है वहां मंदिर नहीं होगा। और आप राम की कहानी थी, भगवान राम की कहानी दिखाते हैं, उनको दर्शन कराते फिर चले आते हैं, फिर वहां बसता क्या है। अगर ऐसा करें कि 3x3 या 3x4 की हनुमान जी की मूर्ति उसी गाड़ी में रखें, और जब हम जा रहे हैं, अगर 2-3 किलोमीटर पर हमें कहीं मंदिर न दिखाई पड़े, किसी एक नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की, मतलब शुरू में गाड़ी में 4-5 मूर्ति रखें, वहीं रखें 5 डब्बा लड्डू भी रखें, वहीं लड्डू भी रखें, वहीं हनुमान जी की मूर्ति भी रखें, थोड़ा सिंदूर भी रखें,
वहीं गांव के गांव वालों को बुला के उनसे ही सिंदूर लगवा के उनसे ही तेल सिंदूर तेल लगवा के उनसे ही एक बार लड्डू चढ़वा के और आप अपने आगे चले जाइए। मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जहां आप हनुमान जी की मूर्ति रख के आओगे एक साल के बाद वहां आपको मंदिर मिलेगा। नहीं मंदिर मिलेगा तो वो हमारे जो सबरी माता के पुत्र है कम से कम छप्पर तो उस पर डाली देंगे। हनुमान जी को वो बरसात में भीगने नहीं देंगे ऐसा मैं मुझे पूरा विश्वास है। तो ये मैं आग्रह करता हूं, मैंने बाबूजी से परमिशन नहीं लिया था, आशा करता हूं बाबूजी कि आप इस पे अगर अपनी सहमति दे दें तब मैं आगे बढ़ूं। अभी बौद्धिक तो हमने शुरू नहीं किया। मैंने ये धृष्टता की और शायद इसलिए किया कि कई बार कुछ पूर्व जन्म के रिश्ते भी होते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि पूर्व जन्म या तो आप मेरे बड़े भाई थे या हमारे पिता थे, कुछ न कुछ जरूर थे आप हमारे। और जहां तक उस मंदिर की मूर्ति की बात है, बहुत सारे अपने ऐसे परिवार हैं जो मुझे लगता है 10 मूर्ति 15 मूर्ति 20 मूर्ति अपनी तरफ से वो दे देंगे, शायद उसकी दिक्कत नहीं आने पाएगी। और ऐसा अगर आपको लगे जिस आप राज्य में जा रहे हैं तो मेरे संपर्क में भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 20 मूर्ति का खर्चा वहन करें और 3x3 या 3x4 जो अच्छी सी मूर्ति लगे, मुझे लगता है 3x4 की मूर्ति अच्छी लगेगी, तो उसका खर्चा वो वहन कर लेंगे। जहां तक जिस विषय को लेके आप लोग बढ़ रहे हैं, एकल परिवार आगे बढ़ रहा है, इस पे मेरी 3-4 अलग अलग PIL हैं। उदाहरण के लिए इस देश में लोगों को गौ माता के गुण के बारे में नहीं पता। आज तक हमारे शोधकर्ताओं ने यह सोचा ही नहीं कि बाकी सबका मलमूत्र व्यर्थ होता है और गाय के गोबर से इतने सारे औषधियां बनती है, गौमूत्र से इतनी सारी औषधियां बनती हैं। मुझे नहीं लगता कि मनुष्य जानवर और जितने भी जीव जंतु हैं उसमें किसी का मलमूत्र काम आता है सिवाय गौ माता के। इस पर शोध नहीं हुआ। शोध इसलिए नहीं हुआ कि हमने अपने स्कूलों में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसको पढ़ाना ही बंद कर दिया।